स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। आज का मेरा जो वीडियो है ये टेक्निकल वीडियो है, ये आप लोगों की काफी हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू किया। दोस्तों मेरा नाम है हरीश जैस और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस क्लास में। आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्चुएटर रेफरेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जहाँ पे हमने सीखा था सेंसर रेफरेंस के बारे में। क्लोज कपलर में ECU सेंसर को पॉजिटिव और नेगेटिव एज अ रेफरेंस देता है जिससे कि सेंसर ऑन हो सके, और अगर हम कपलर निकाल देते हैं तो सिग्नल वायर में भी 5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज आता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्चुएटर्स के रेफरेंस वोल्टेजेस के बारे में कि एक्चुएटर्स के वोल्टेज किस तरीके से काम करते हैं। देखिए दो प्रकार के एक्चुएटर्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑपरेटेड, मतलब कि वो डायरेक्ट चलता है ECM से, और दूसरा होता है रिले ऑपरेटेड, मतलब कि जिन एक्चुएटर्स को ECM रिले के द्वारा ऑपरेट करता है। तो दोनों में ही अलग अलग टाइप के रेफरेंस वोल्टेजेस पाए जाते हैं, या फिर ये कहा जाए कि उसको चेक करने का तरीका अलग अलग होता है। और ये सारे तरीके हमें पता हो तो हम एक्चुएटर्स की वायरिंग और एक्चुएटर्स को बड़े ही इत्मीनान के साथ में चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए आइए सीखते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले रिले के बारे में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे माइक्रो रिले भी दिए हुए हैं और मेन रिले भी दिया हुआ है। तो कभी भी याद रखिएगा कि रिले का स्ट्रक्चर जो है जिस तरीके से काम करता है ये मैं आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे रिले के वायरिंग का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक हमारा मेन रिले का है और एक हमारा माइक्रो रिले का है। ये दोनों ही रिले जो हैं इनमें साइज़ का डिफरेंस होता है, मगर वर्किंग पूरी सेम रहती है, जिसमें जो है एक हमारा इनकमिंग वोल्टेज होता है और दूसरा हमारा आउटगोइंग वोल्टेज होता है। तो इनकमिंग में जो सप्लाई है वो बैटरी से आती है फ्यूज़ के ज़रिए होते हुए, और आउटगोइंग वाली जो पिन है ये डायरेक्ट एक्चुएटर से जुड़ी रहती है, जैसे रेडिएटर फ़ैन हो गया या फ्यूल पंप हो गया, और इसमें ज़्यादातर जो है पॉजिटिव सप्लाई होती है। और फिर आती है रिले की कंट्रोलर पिन है, दो कंट्रोलर पिन होती है, एक पॉजिटिव की होती है और एक नेगेटिव की होती है। पॉजिटिव कंट्रोलर पिन हमेशा कॉमन होती है जो कि इनकमिंग वोल्टेज से ही आती है, और जो नेगेटिव कंट्रोलर होती है इसको ECM या फिर स्विच के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि आपका कंट्रोलर पिन पे जो पॉजिटिव है वो लगातार आते रहेगा और जो नेगेटिव है वो जब रिले को ऑन करना होगा तो उस टाइम पे नेगेटिव जो है कंट्रोलर पिन पे सप्लाई किया जाएगा। तो जैसे ही कंट्रोलर पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे रिले में आता है वैसे ही हमारा रिले ऑन हो जाता है, और इनकमिंग और आउटगोइंग की जो पिनें हैं वो कॉमन हो जाती है और इनकमिंग की सप्लाई आउटगोइंग में जाना शुरू हो जाती है। अब जैसा कि मैं आप लोगों को अगली स्लाइड में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है दो प्रकार के सर्किट मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ, एक जिसमें रिले नहीं यूज़ किया गया है और दूसरा जिसमें रिले यूज़ किया गया है। जिस सर्किट में रिले यूज़ किया गया है वहाँ पर रिले को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच या ECM से पॉजिटिव या नेगेटिव दिया जाता है, और जिसमें आपका रिले नहीं दिया हुआ है उसमें डायरेक्टली पॉजिटिव या नेगेटिव पे हमारा स्विच लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो रिले है ये एक प्रकार से स्विच की तरह काम करता है, जिसे दूसरे ECM या फिर बटन से ऑपरेट किया जाता है। अभी जहाँ तक बात की जाए हमारे फ्यूज़ के लोकेशन की, तो फ्यूज़ का जो लोकेशन है वो मेन लाइन स्विच में होता है। ये जो है ये हमारा रिले के पहले भी हो सकता है या फिर जो है ये रिले के बाद में भी हो सकता है, मतलब कि एक्चुएटर के बीच में जहाँ पे रिले लगा हुआ है उसके पहले भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है। जैसा कि आप लोग ऊपर दिखाई गई इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन लाइन में हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है, किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होने पर हमारा ये फ्यूज़ जो है ये उड़ जाता है। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर ऊपर वाली इमेज में देख सकते हैं कि रिले में जो है इनकमिंग में और कंट्रोलर पॉजिटिव में जो सप्लाई आती है वो डायरेक्ट रहती है, यानी कि हमेशा वो सप्लाई कॉमन रहेगी, और आउटगोइंग वाली जो पिन है वो हमेशा एक्चुएटर से जुड़ी रहती है, और नेगेटिव का जो वायर है वो डायरेक्ट हमारा बॉडी से रहेगा या तो बैटरी से रहेगा, और जो ECM है वो नेगेटिव से रिले को कंट्रोल करता है। यहाँ पर अगर मान के चलिए कि आपका पॉजिटिव कॉमन नहीं है, उसकी जगह पे नेगेटिव कॉमन है, जैसा कि मैं आप लोगों को आगे वाली इमेज में दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जो है नेगेटिव कॉमन है, तो इस कारण से यहाँ पर ECM से क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये बहुत रेयर केस में होता है, मैक्सिमम जो है आपका यही वाला होगा कि आपका कंट्रोलर पिन पे जो है पॉजिटिव कॉमन रहेगा, इनकमिंग पे पॉजिटिव आएगा और ECU जो है नेगेटिव देगा। अभी जब भी हम रिले को कपलर से अलग करते हैं तो जो हमारा कंट्रोलर पिन ECM से जुड़ा हुआ रहता है
90% हमारा जो है कपलर निकालने के बाद में कंट्रोलर पिन पे जो कि ECM से कनेक्टेड है उसमें 2.5 वोल्ट से लेकर के 3.5 वोल्ट यानी कि 2.5 वोल्ट से लेकर के 3.5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज देखने के लिए मिलता है जो कि ECU जनरेट करता है और ये सिर्फ ओपन कंडीशन में करेगा, जब आप रिले को बाहर निकालेंगे तब करेगा। अदरवाइज़ जो है जब आप कपलर लगा के रखेंगे तो आपको दोनों कंट्रोलर पिन पर पॉजिटिव शो करेगा, जैसा कि मैं आप लोगों को अगली इमेज में दिखा रहा हूँ। रिले में जो है हमारा 250 ओम्स के से कम का रेजिस्टेंस होने की वजह से आप अगर किसी एक कंट्रोलर पिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव देंगे तो वो दूसरी पिन से यानी कि दूसरी कंट्रोलर पिन से रिटर्न होता है। इस वजह से आप लोगों को हमेशा अगर कपलर लगा करके पीछे से चेक करेंगे, रिले लगा करके कपलर के पीछे से चेक करेंगे तो दोनों कंट्रोलर पिन पे आप लोगों को पॉजिटिव शो होगा, मगर जब रिले को ऑन करना होगा तो जो रिटर्न वाली पिन है उसमें ECM नेगेटिव जनरेट करता है, जिस वजह से हमारा रिले ऑन होता है और हमारा एक्चुएटर भी चलने लग जाता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कि जो मेरा माइक्रो रिले होता है इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग पिनें ये रहती है और ये मेरी कंट्रोलिंग की पिन होती है। तो कंट्रोलर पिन्स जो होती है उसमें एक साइड में पॉजिटिव और दूसरे साइड में नेगेटिव आना चाहिए, मगर ये जो रिले है रिले का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। अगर मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करूं, अगर मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करूं और सेट करके अगर मैं इस रिले का कंट्रोलर पिन पर चेक करूंगा तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे को 98 ओम्स का रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब कि अगर मेरे इस पिन पे कोई सप्लाई दी जाएगी तो वो इस पिन से निकलना चालू हो जाएगी, यहाँ पे अगर पॉजिटिव दिया जाएगा तो यहाँ से निकलना चालू हो जाएगा। तो मेरे इस पिन पे जो पॉजिटिव रहती है वो हमेशा इस पिन से, मेरे इस पिन पे जो पॉजिटिव रहती है वो इस पिन से निकलेगी। सो नाउ अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक मेरा जो पॉजिटिव है वो इस पिन में रहेगा, एक मेरा पॉजिटिव इस पिन में रहेगा और जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो मेरा यहाँ से पॉजिटिव निकलना चालू हो जाएगा और मेरा एक्चुएटर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो ECM से जुड़ा हुआ जो हमारा पिन है वो कौन सा है, ये वाला है। नेगेटिव पिन जो रहती है वो हमेशा ECM से जुड़ी हुई रहती है। तो जब ये एक्चुएटर जो है ऑन नहीं होता है और हम इसका कपलर निकाल देते हैं तो कपलर निकालने पर हमें रेफरेंस वोल्टेज देखने के लिए मिलता है। देखिए ये मैं लाल वाली लीड को लगा देता हूँ हमारे पॉजिटिव में और इसको सेट कर देता हूँ 20 पे और उसके बाद में हम लोग चेक कर। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर जो है इनमें से जो एक पिन रहती है वो मेरी ECM से कनेक्टेड रहती है और इस पिन में क्या आना चाहिए, मेरा रेफरेंस आना चाहिए, या तो नेगेटिव में आएगा या तो पॉजिटिव में आएगा मगर आएगा जरूर। और ये किस कंडीशन में आएगा, जब कपलर निकला हुआ रहेगा, क्योंकि जब कपलर लगा हुआ रहता है तो उस कंडीशन में इस पिन पर जो पॉजिटिव रहती है वो इस पिन से निकलना चालू हो जाती है। रीज़न इज क्योंकि इसमें जो है ओम्स आप देख लीजिए, अगर मैं आप लोगों को ओम्स दिखाऊँ तो ये देखिए आप लोग देखेंगे 98 ओम्स का 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है और 100 ओम्स का रेजिस्टेंस इतना कम होता है कि इसमें यहाँ से अगर कोई सप्लाई दूंगा तो यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे कोई सप्लाई दूंगा तो यहाँ से निकलेगी। तो इस वजह से जो है हमारा ये एक प्रकार से कंटिन्यूटी की तरह ही बिहेव करता है। तो अब जो है मेरा एक पिन जो है वो ECM से जुड़ा हुआ है, तो चलिए चेक करते हैं कि उसमें रेफरेंस वोल्टेज कितना आ रहा है। रेफरेंस वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव में होता है दोस्तों, मैं इसको वोल्टेज पर सेट कर देता हूँ। नाउ ये मेरी ब्लैक वाली जो लीड है इसको मैंने यहाँ पे लगाया है अपना बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे एंड अब जो है मैं इस पिन पे चेक करो मेरा कितना आ रहा है, 12 वोल्ट आ रहा है। 12 वोल्ट मेरा क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब कि जो मेरी एक कंट्रोलर पिन है ये वाली इसमें मेरा 12 वोल्ट की सप्लाई मुझे देखने के लिए मिल रही है। अब वहीं पर अगर मैं दूसरे पर लगाता हूँ तो मेरा कितना हो रहा है, 2.5 के आसपास में मेरा रेफरेंस वोल्टेज आ रहा है। अगर ये रेफरेंस वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका ये वायर ECM तक के जुड़ा हुआ है और ECM इस एक्चुएटर को ऑपरेट कर सकता है। ECM के अंदर में ऐसा कोई भी फॉल्ट नहीं है जिस वजह से वो इस एक्चुएटर को ऑपरेट ना कर पाए,
फॉर एग्जाम्पल फ्यूल पंप का रिले हो या रेडिएटर फैन का रिले हो या आपका वॉट एवर किसी भी चीज़ का रिले हो, उसमें अगर इस टाइप से आपको रेफरेंस वोल्टेज देखने के लिए मिलता है कि आपका रिले में कंट्रोलर पिन पे 2.5 वोल्ट का पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा, या फिर अगर आप नेगेटिव में चेक करोगे तो -10 से लेकर -8 वोल्ट तक का आप लोगों को अगर देखने के लिए मिल रहा है ना, ये देखिए -10 दिखा रहा है अभी, या फिर ऐसे अगर आप चेक करेंगे तो 2.4 यानी कि पॉजिटिव में आपको मिलेगा, 2.5 से 3 वोल्टेज का अगर करंट देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका मतलब कि ये वायर प्रॉपर ECM तक जुड़ा हुआ है और हमारा जो ECM है वो इस एक्चुएटर को ऑपरेट कर रहा है, कर सकता है। और अगर नहीं हो रहा है, फिर भी चालू नहीं हो रहा है, रेडिएटर फैन एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर नहीं चालू हो रहा है तो हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर में प्रॉब्लम हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, अगर मेरा ये 2.5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो मैं ये पिन को जो है ECM तक के चेक करूँगा कि मेरा ECM में जो है यहाँ पर इसका वायर कनेक्टेड है कि नहीं है, कंटिन्यूटी चेक करूँगा। और अगर कंटिन्यूटी ओके है तो फिर सीधी सी बात है कि मैं ये घोषित कर दूँगा, मैं ये डिसाइड कर लूँगा 99% कि मेरा ECM ख़राब हो गया है, दैट्स इट। अब जो है ऐसे ही कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज की जगह पर क्या होता है, नेगेटिव भी आता है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो आप लोग देखिए कि मैंने नेगेटिव में लगा के रखा हुआ है और ये अब मैं मेन रिले की एक कंट्रोलर पिन पे लगाता हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, और अगर पॉजिटिव में लगाता हूँ तो मेरा 12 वोल्ट आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये रेड वाली लीड को यहाँ पे लगाऊंगा और देखूँगा तो मेरा कंट्रोलर पिन पे क्या आ रहा है, 12 वोल्ट पूरा नेगेटिव आ रहा है। तो ये मेन रिले है, मेन रिले में 12 वोल्ट का नेगेटिव भी आ सकता है और आपका 2.5 वोल्ट भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, चलेगा। मगर रेफरेंस आप लोगों का होना चाहिए, मैक्सिमम 2.5 आता है और मिनिमम आपका कभी कभार ऐसा होता है कि ओल्ड मॉडल गाड़ियाँ रहती है तो उसमें माइनस नेगेटिव डायरेक्ट दिखाता है। तो ये ECM के काम करने का तरीका है। तो अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो आप मान लीजिए कि आपका जो एक्चुएटर है वो ऑपरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ECM के अंदर में कोई फॉल्ट है, अगर वायरिंग ओके है तो, और अगर वायरिंग ओके नहीं तो पहले वायरिंग को हमें ओके करना पड़ेगा। तो चलिए अब दूसरा हम लोग चेक करते हैं डायरेक्ट ऑपरेशन। अभी बात की जाए ECM ऑपरेटेड एक्चुएटर के बारे में, तो ECM ऑपरेटेड एक्चुएटर जो होते हैं वो डायरेक्ट ECM के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, मगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही ECM से आए ये ज़रूरी नहीं है। मैक्सिमम टाइम आपका होता ये है कि पॉजिटिव जो एक्चुएटर में आता है वो मेन रिले से आता है, इंजेक्टर्स में दोनों ही वायर ECM के अंदर जुड़ी हुई रहती है, मगर आपका लाइक DRV वॉल्व हो गया या EGR वॉल्व हो गया, इन सब के अंदर में आपका जो पॉजिटिव है वो मेन रिले से आता है और जो नेगेटिव होता है वो आपका ECM से आता है। तो जो नेगेटिव ECM से आ रहा है हम उसको बोलते हैं कंट्रोलर पिन। कंट्रोलर पिन आपका जो है उसमें नेगेटिव डायरेक्ट भी हो सकता है और ड्यूटी साइकिल में भी हो सकता है। ड्यूटी साइकिल मीन्स कि सप्लाई जो है वो रुक रुक के आती है, तो जब भी ECM नेगेटिव देता है तो हमारा एक्चुएटर ऑन होता है और जब नेगेटिव देना बंद कर देता है तो एक्चुएटर बंद हो जाता है। अब किसी भी एक्चुएटर में एक बात बहुत कॉमन होती है दोस्तों कि अगर इसके एक पिन पे अपना पॉजिटिव दिया जाए तो वो दूसरी पिन से रिटर्न होता है, इससे ये भी चेक हो जाता है कि हमारा एक्चुएटर सही है कि नहीं है, क्योंकि इसका जो ओम्स होता है वो 0 ओम्स का होता है, रेजिस्टेंस 0 होता है, इस वजह से ये कंटिन्यूटी की तरह बिहेव करता है। ये इंजेक्टर में एक मेरा पॉजिटिव का रहता है, दूसरा मेरा कंट्रोलर रहता है। जैसा कि मैं यहाँ पर अभी अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो देखिए, ये मैंने नेगेटिव बॉडी से कॉमन ले लिया और उसके बाद में अगर मैं वोल्टेज चेक करूँगा तो मेरे दोनों पिनों पे जो है आपको 11 वोल्ट का करंट देखने के लिए मिलेगा, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो है एक ही पिन में आ रहा है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ये देखिए, ऐसे में अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो मेरा इस पिन में आ रहा है क्या, इस पिन में मेरा कितना आ रहा है, 11 वोल्ट का करंट आ रहा है, और सेम अगर मैं दूसरी पिन में चेक करूंगा तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सप्लाई है ये इस इंजेक्टर से होते हुए रिटर्न हो रही है। तो अगर किसी भी इंजेक्टर में आप लोगों को ये देखना है कि उसका सोलेनाइड बराबर है कि नहीं है तो आप लोग ऑलवेज जो है क्या कीजिए कि एक सप्लाई जब जा रही तो दूसरी तरफ से रिटर्न हो रही है कि नहीं हो रही, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। सभी प्रकार के एक्चुएटर में ये फॉर्मूला काम करता है। आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी में आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो सोलेनाइड एक्चुएटर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सोलेनाइड एक्चुएटर अगर अंदर से प्रॉपर रहता है तो आपको ये बीप का साउंड सुनाई आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लगाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेरा जो है
दोनों पिनों पे मैंने लगाया और मेरा बीप का साउंड आ रहा है, इसका मतलब कि इसका सोलेनाइड का एक्चुएटर ओके है। अब इंजेक्टर अगर मिसिंग कर रहा है तो हो सकता है कि नीचे कंट्रोल वॉल्व का इसमें प्रॉब्लम हो। तो जिसमें पॉजिटिव हमारा आता है वो हमारी क्या कौन सी पिन कहलाती है, वो हमारी कहलाती है सप्लाई पिन। और जिसमें हमारा कुछ नहीं आ रहा है, रिटर्न की सप्लाई जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर। ECM क्या करता है, उसमें कंट्रोलिंग के लिए नेगेटिव को अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करवाता है। सेम ऐसा ही जो है हमारे को DRB वायर में, DRB के कपलर में भी देखने के लिए मिलता है। हमारा किसी भी प्रकार के एक्चुएटर को चेक कीजिए, उसमें आपको कंटिन्यूटी देखने के लिए मिलेगी। एज़ पर एग्जाम्पल कि अगर मैं किसी रेडिएटर फैन का भी अगर चेक करूँगा या फिर मेरे फ्यूल पंप का चेक करूँगा, सभी प्रकार के एक्चुएटर्स में आपको कंटिन्यूटी देखने के लिए मिलेगी। एक तरफ से सप्लाई जाएगी, दूसरी तरफ से वो रिटर्न होती है। अब जो इसमें नेगेटिव रहता है दोस्तों, नेगेटिव आपका जो है वो ड्यूटी साइकिल में भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। मतलब ड्यूटी साइकिल मतलब कि रुक रुक करके देना भी दे सकता है ECM, या फिर डायरेक्ट भी दे सकता है। मगर ओपन कपलर में आपको रेफरेंस देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, वॉट एवर किसी भी प्रकार के एक्चुएटर हो। और ख़ासकर रिले में आप लोगों को जो है रेफरेंस वोल्टेज 2.5 वोल्ट का देखने के लिए।